वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी, आज हम इस लेसन में लर्न करने वाले हैं अबाउट अवर सीएसएस बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। आप अपने एचटीएमएल वेब पेज के अंदर जो बैकग्राउंड इमेज है ये किस तरह से अटैच करेंगे, ये हम आज के लेसन में लर्न करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और आज का जो हमारा कॉन्टेंट है उसको रीड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज को यूज़ करने के लिए आप बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को यूज करेंगे इन योर सीएसएस। ये जो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी है इसके अंदर आपको एक फंक्शन मिलेगा यूआरएल का, और उस यूआरएल फंक्शन के अंदर आप अपना जो पाथ है वो इंटर करेंगे। इसके बाद हमारे पास सीएसएस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। हम करते हैं अपना वीएस कोड ओपन। तो वीएस कोड ओपन करने के बाद हम जो अपनी रेगुलर वर्किंग है प्रैक्टिकल डेमो है उसको देखते हैं। जी, तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट ओपन है रिएक्ट का, मैं इसको क्लोज करता हूँ। जी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपना एक फोल्डर जो है ओपन कर सकते हैं। लेट मी चेक, लेट मी क्लोज इट। मैं जाऊंगा अपने फाइल एक्सप्लोरर पे और यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड के फोल्डर में डेस्कटॉप पे मेरे पास फोल्डर पड़ा हुआ है वेब डेवलपमेंट। यहाँ पे मेरे पास एचटीएमएल, यहाँ पे मैं जो मेरे एचटीएमएल है जी जी मैं इसको ही ओपन करता हूँ। इसके अंदर मैं सीएमडी लिखूंगा। सीएमडी लिखने के बाद आप जस्ट यहाँ से कोड डॉट इंटरप्रेस करेंगे और आपका वीएस कोड इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी आपके पास अवेलेबल होंगे ऑप्शंस वो आपको प्रोवाइड कर देगा, जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपको दे देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे केस में ये मेरे पास एचटीएमएल स्टाइल, मेरे पास एक स्टाइल डॉट एचटीएमएल है और ये मेरे पास स्टाइल डॉट सीएसएस है, तो मैं स्टाइल डॉट एचटीएमएल पे काम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जितनी भी कोडिंग है मैं इसको डिलीट करूंगा और डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं एक अपनी जो फाइल है वो क्रिएट करूंगा। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी जो फाइल है वो अटैच करेंगे। फाइल सीएसएस की फाइल अटैच करने के लिए आप लिंक टैग को यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारी फाइल का नाम है दैट इज स्टाइल डॉट सीएसएस मैंने अटैच कर ली। हम अपनी इस फाइल को ओपन करते हैं स्टोर डॉट सी एस एस को। यहाँ से हम जितनी भी एडिंग है इसको रिमूव करते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉडी है उसको बैकग्राउंड कलर एक अलॉट करते हैं। तो मैं यहाँ से अपनी चॉइस का जो कलर है उसको चूज करूंगा। इन माई केस दिस वन इज ओके। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको बैकग्राउंड इमेज जो है वो देने वाला हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। मैं यहाँ पे जो यू आर एल ऑप्शन है ये इसको इसकी सिलेक्शन करूंगा। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपके पास अगर कोई पिक्चर पड़ी है तो आप उसका पाथ दे सकते हैं। लेट मी चेक। तो हम यहाँ पे करेंगे, बट हमारे पास ये इमेज फाइव डॉट जेपीजी पड़ी है, मैंने इसको सेव किया। जाऊँगा मैं अपने एचटीएमएल पेज पे, मैंने इसको भी सेव किया। अब मैं इसका जो आउटपुट है वो देता हूँ। हमारी जो आउटपुट है वो किस तरह की, क्या इमेज है वो अटैच हो चुकी है और नॉट। तो यू कैन सी हमारी जो इमेज है वो अटैच हो चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली इमेज जो है वो सेकेंड पे उसका साइज जो है वो कंप्लीट नहीं आया। ठीक है, अब ये साइज को फिक्स करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है जी, आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। बैकग्राउंड रिपीट, वाई एक्सेस, बैकग्राउंड रिपीट, एक्स एक्सेस। इसका मतलब ये है कि आप अपनी अगर इमेज को रिपीट करना चाहते हैं बैकग्राउंड पे, तो आप बैकग्राउंड इमेज की जो प्रॉपर्टी है रिपीट प्रॉपर्टी इसको आप यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी है, मैं इसको रिपीट करता हूँ। मैंने इसको सेव किया। सेव करके मैं जाऊँगा ब्राउजर पे, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। तो चूंकि हमारी जो फाइल है ये बहुत ज्यादा लार्ज साइज है इसका, दैट इज व्हाई हमारी ये जो फाइल है ये इसने पूरा जो कवर इसको कर लिया हुआ है। ठीक है, अगर आप, मैं यहाँ से कोई और फाइल चूज करता हूँ, लेट मी चेक, कोई और फाइल मेरे पास पड़ी है तो मैं उसको यहाँ से लेता हूँ। तो चाइनीज डॉट, और उसके बाद
चले मैं इसको चेक करता हूँ कि ये मेरे पास जो इमेज है वो कौन सी है। तो ये मेरे पास इमेज ऑलरेडी जो मैंने चूज की है चेंज कर दी है। मैं इसको कोई और इमेज जो है वो चेक करता हूँ जिसका साइज रेजोल्यूशन जिसकी कम हो, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज, जिसको मैं सेव किया करते हैं ब्राउजर पे। तो यू कैन सी कि मैंने अब जो रिपीट लगाया बैकग्राउंड रिपीट, तो आप देख सकते हैं एक इमेज मुझे ये शो हो रही है, एक इमेज मुझे ये शो हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह आप चाहें तो आप इसको रिपीट एक्स एक्सेस भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड आप रिपीट इसको वाई एक्सेस पे भी कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड रिपीट में मैंने इसको रिपीट किया और इसको मैंने रिपीट एक्स कर दिया। तो रिपीट एक्स क्या होगा, ये एक्स एक्सेस पे रिपीट होगी, बट अगर मैं इसको रिपीट वाई कर दूंगा तो ये वाई एक्सेस पे मेरी जो इमेज है वो रिपीट होगी। ठीक है, तो अब आप देखें एक्स एक्सेस पे इमेज आपको शो नहीं हो रही, बट आपको वाई एक्सेस पे इसलिए शो नहीं हो रही अभी हमारे पास इधर कंटेंट बहुत कम है। ऐसे आपका पेज, ये जो होम पेज है, ये इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, लेंथ इसकी बढ़ती जाएगी, इमेज रिपीट होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम जो डिस्कस कर चुके हैं बैकग्राउंड रिपीट रिपीट वाई रिपीट एक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि नो रिपीट, इसको आप नो रिपीट, आप सिर्फ इसकी जो प्रॉपर्टी है वो नो रिपीट कर दें, आपकी जो इमेज है वो रिपीट नहीं होगी। ठीक है, लेट मी शो यू। ये देखिए आपकी इमेज अब ना तो एक्स एक्सेस पे रिपीट हो रही है ना ही वाई एक्सेस पे रिपीट हो रही है। बट एक और हमारे पास ऑप्शन है, अभी हमारी इमेज जो है ये पूरे को कवर नहीं कर रही है, हमारे एचटीएमएल हमारे वेब पेज को, बैकग्राउंड को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए देखें आपने यूआरएल लगाना सीख लिया, रिपीट आपने अटैच करना सीख लिया। अब हम एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट राउंड, इसको भी देखते हैं। बट हम एक हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज में आप आपकी जो इमेज है, आपकी जो बैकग्राउंड है, इसको कवरअप कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड साइज में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट साइज है। मैं इसको कवर जो है वो सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद देखें ये जो मेरा कवर है इसने सारी बैकग्राउंड जो है वो कवर कर ली। बट अगर मैं इसको एक और बैकग्राउंड अटैच करता हूँ, बैकग्राउंड साइज मैं इसको कंटेन कर देता हूँ, तो इसको मैं कवर वाले को कर देता हूँ कमेंट। तो अब आप देखें कि मेरा जो बैकग्राउंड है, ये देखिए ये छोटा सा आपको शो हो रहा है कि बैकग्राउंड कंटेन में क्या हुआ। अगर आप बैकग्राउंड कवर कर देंगे तो आपकी सारी बैकग्राउंड कवर हो जाएगी, बट अगर आप कंटेन करेंगे तो आप देखें मैं इसका जूम करता हूँ, तो ये देखें आपको छोटी सी जो इमेज है वो नजर आ रही है ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, तो ये है जी हमारा बैकग्राउंड जो है वो कंटेन ऑप्शन। सिमिलरली आपके पास लेट मी चेक, कोई और हमारे पास है जी, और हमारे पास है बैकग्राउंड रिपीट राउंड, इस प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो मैं इसको कवर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये किसके साथ हम यूज कर सकते हैं, हम बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर देंगे, नो रिपीट कर देंगे, और इसको साथ में हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट राउंड कर देंगे। तो लेट्स सी इससे क्या होता है। तो मैंने इसको बैकग्राउंड जो है वो मैंने इसको कर देना जी सेंट्रलाइज, उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे यूटिलाइज करने वाला हूँ, तो मैंने लिख दिया बैकग्राउंड पोजीशन। तो पोजीशन मैंने इसको सेंटर कर दिया, और इसके बाद में जो मेरे पास बैकग्राउंड साइज है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका देख लें, तो ये देखें आपकी जो बैकग्राउंड है ये सेंट्रलाइज हो गई है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज आवर बैकग्राउंड रिपीट राउंड, इसको करते हैं। इससे क्या होता है, बैकग्राउंड रिपीट और इसका जो वैल्यू है वो राउंड। लेट्स सी, इसको मैंने सेव किया, सेव करने से चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो ये देखिए आपकी जो बैकग्राउंड है वो इस टाइप की आपको शो हो रही है। ठीक है, और स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये जो लेसन है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।